दोस्तों, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक ऐसी कैपिटल की सैर पर जो कि एक दो नहीं बल्कि कई बस्तियों से मिलकर बनी है। ये पहाड़ियों के किनारे पर बसा हुआ एक खूबसूरत शहर है। इसका एक किला तो वर्ल्ड फेमस है दोस्तों। कहा जाता है कि इस कैपिटल की स्थापना 3 शहरों द्वारा की गई। इतना ही नहीं, दुनिया की थर्मल बात राजधानी भी कहा जाता है इसे। दोस्तों, यहाँ की भाषा को सीखना बहुत मुश्किल हो जाता है। कहा जाता है कि सबसे ज्यादा टंग ट्विस्ट इसी भाषा में होती है। इतना ही नहीं, यहाँ पर बच्चों के नाम से पहले ही आपको एक लिस्ट दे दी जाती है। आपको अपने बच्चों के नाम उसी लिस्ट में से लेने होते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि ये अद्भुत शहर जमीन के ऊपर और नीचे दोनों ही जगहों पर है। यहाँ के म्यूजियम इस जगह के इतिहास को बताते हैं। बहुत ही खास है ये राजधानी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम जा कहाँ रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं हंगरी देश की राजधानी बुडापेस्ट की सैर पर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। दोस्तों, बुडापेस्ट हंगरी की कैपिटल। ये हंगरी के मध्य उत्तरी भाग में डैन्यूब नदी के दोनों किनारों पर स्थित है। ये 4 बस्तियां बुडा पेस्ट, ओबुडा और कोबान्या से मिलकर बना है। पुराना बुडा नदी के पश्चिमी पहाड़ी किनारे पर बसा है। यहीं पर नदी तल से 400 फुट की ऊंचाई पर एक किला भी है। पूर्वी निचले किनारे पर स्थित पेस्ट पुराना व्यापार केंद्र है। बुडापेस्ट व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र भी है। यहाँ बुडापेस्ट विश्वविद्यालय और टेक्निकल विश्वविद्यालय काफी फेमस है। ये देश के मध्य भाग में स्थित होने के कारण यातायात मार्गों और व्यापार का प्रमुख केंद्र बन गया। यहाँ पर अनाज, गाय, बैल, ऊन और चमड़े का व्यापार बहुत तेजी से हुआ। बुडा और पेस्ट को मिलाने के लिए नदी पर कई पुल बने। हाल ही में रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के हालातों को देखते हुए यूक्रेन में बसे नागरिकों को बुडापेस्ट के जरिए ही बाहर निकाला गया। यानी कुल मिलाकर हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट की स्थापना 1873 में 3 शहरों बुडा, ओबुडा, पेस्ट के विलय से हुई। आज बुडा को आमतौर पर आलिशान क्वार्टर और उच्च वर्ग के साथ जोड़ा जाता है। पेस्ट वो जगह है जहां आपको आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा मिलेगा और शहरी जीवन। बुडा और पेस्ट सेचेनी के शानदार पुल जिसे चेन ब्रिज के नाम से जाना जाता है उससे जुड़े हुए हैं। दोस्तों, 2024 में यानी कि आज के समय में बुडापेस्ट की पॉपुलेशन 17,80,000 के आसपास है, जो कि 2023 से 0.11% अधिक है। अगर हम हंगरी की बात करें तो हंगरी की जनसंख्या धीरे धीरे कम हो रही है। 2023 के मुकाबले 2024 की पॉपुलेशन में 1.59% की कमी आई है, लेकिन बुडापेस्ट लगातार बढ़ रहा है। दोस्तों, बुडापेस्ट इज होम टू द वर्ल्ड लार्जेस्ट नोन थर्मल केव सिस्टम। जी हाँ, भूमि के नीचे की दुनिया भी अलग है। 80 झरने और लगभग 200 गुफाओं का घर है ये। इसी के साथ यूरोप का सबसे बड़ा औषधीय स्नान घर बुडापेस्ट में ही है। शहर थर्मल स्प्रिंग से खनिज युक्त पानी पंप करता है, जिसमें से बुडापेस्ट में 123 हैं। यहाँ के स्नान घर बहुत खास हैं। हंगरी की स्पा संस्कृति रोमन कला की है दोस्तों। बुडापेस्ट में सबसे आश्चर्य करने वाले स्नान घर 150 वर्ष के ऑटोमन शासन के दौरान बनाए गए थे, लगभग 1541 से 1699 के बीच। कहा जाता है कि तुर्की स्नान करने से कई उपचारात्मक प्रभाव होते हैं, और जब आप बुडापेस्ट आते हैं तो ये सबसे जरूरी चीजों में से एक होता है कि आप यहाँ आएं और यहाँ पर बाथ लें। लेकिन अगर आप एक रिकॉर्ड तोड़ने वाले स्नान घर की तलाश में हैं, तो बुडापेस्ट में सेचेनी औषधीय स्नान घर जरूर जाएं। यूरोप का सबसे बड़ा औषधीय स्नान घर है दोस्तों यहाँ पर। इसी के साथ दोस्तों, बुडापेस्ट मेट्रो सिस्टम दुनिया का दूसरा सबसे पुराना सिस्टम है। बुडापेस्ट की मिलेनियम अंडरग्राउंड रेलवे हंगरी ने अपनी 100वीं वर्षगांठ पर शुरू की थी। ये महाद्वीपीय यूरोप की सबसे पुरानी भूमिगत रेलवे प्रणाली है जो कि इलेक्ट्रिक है। बुडापेस्ट मेट्रो लंदन अंडरग्राउंड के बाद दुनिया की दूसरी सबसे पुरानी भूमिगत रेलवे बना। इसी के साथ दोस्तों, कहा जाता है कि हंगरीन भाषा दुनिया की सबसे मुश्किल भाषाओं में से एक है। इसे सीखना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम आपको यही बोलेंगे कि जब भी आप यहाँ आए तो भाषा को कुछ ना कुछ सीख के जाएं।
जो आपके लिए काफी कंफर्टेबल होगा। दोस्तों आपको पता है यहाँ पर अगर आपको अपने बच्चों के नाम रखने हैं तो आपको एक लिस्ट दी जाती है, उसमें अप्रूव नेम होते हैं, आपको उसी में से अपने बच्चों के नाम रखने होंगे, अदरवाइज आपको अप्रूवल भी लेना पड़ सकता है। दोस्तों जब बुडापेस्ट में घूमने की जगहों की बात आती है तो ये शहर अपने शानदार महलों, पुराने स्मारक, अट्रैक्टिव म्यूजियम्स और मंत्रमुग्ध कर देने वाली नदी तट के नजारों से आपको पूरी तरह से सरप्राइज कर देगा। शहर के हर कोने में रोमांस है, जी हाँ, खूबसूरत सांस लेने का मौका। आने वाले लोग यहाँ बहुत एंजॉय करते हैं। अगर आप न्यूली वेडिंग है तो क्या ही बात। शहर में बुडा कैसल, पैथियस चर्च, फिशरमैन बेस्टियन, सेंट स्टीफन्स बेसिलिका जैसे कुछ खूबसूरत जगह है। तो चलिए दोस्तों आपको लेकर चलते हैं कुछ खूबसूरत जगहों की सैर पर, जो कि है बुडापेस्ट में। सबसे पहले आपको दिखाते हैं डैन्यूब। डैन्यूब एक ऐसी नदी है जिसका नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक इमेजिनेशन, एक खूबसूरती आ जाती है। निश्चित रूप से दुनिया की सबसे प्रसिद्ध नदियों में से ये एक है। यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी 10 यूरोपियन देशों से होकर गुजरती है। दोस्तों ये बुडापेस्ट में ये शहर के दो भागों को डिवाइड करती है, इसे दो जिलों में भी डिवाइड करती है, बुडा और पेस्ट। शहर की कोई भी यात्रा इसको घूमे बिना बिल्कुल पूरी नहीं हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर है चैन ब्रिज, जहाँ पर जरूर जाइएगा। शहर के सबसे पुराना सस्पेंशन ब्रिज है जो बुडा और पेस्ट को जोड़ता है। इसके निर्माण के प्रमुख समर्थकों में से एक के सम्मान में सेचिनियल ब्रिज के रूप में भी इसे जाना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि इसे एक अंग्रेज ने डिजाइन किया था और एक स्कॉट्समैन ने बनवाया था। अगर आपको बोटिंग करना पसंद है तो आप यहाँ जरूर जाइए। जी हाँ, आप शानदार नदी में शानदार बोटिंग कीजिए। दोस्तों ये है सिटाडेला। बुडापेस्ट जैसे बड़े महत्वपूर्ण शहर में आप बिना कुछ दुश्मन बनाए तो नहीं रह सकते। दुश्मनों का मतलब है आपको किलेबंदी की जरूरत है। यही कारण है कि हंगरी के लोगों ने सिटाडेला का निर्माण किया, जो गैलर्ट हिल के शीर्ष पर स्थित एक किला है। ऑस्ट्रेलियाई जनरल जूलियस जैकब वॉन हेनाउ द्वारा 1854 में इसे बनाया गया। सिटाडेला ये निगरानी भवन के रूप में काम करता है, क्योंकि यह शहर का सबसे ऊंचा स्थान जो है। दोस्तों जब आप यहाँ से खूबसूरत शहर को खूबसूरत नजरों से देखेंगे तो सीरियसली आपको इससे प्यार हो जाएगा, और तभी आपको दिखेगा हंगरी संसद। जी हाँ, ये वो नजारा है जिसे आपको जरूर देखना चाहिए, अनदेखा नहीं कर सकते आप। संसद बारोक और नव गॉथिक शैली में बुडापेस्ट की सबसे महत्वपूर्ण और खूबसूरत इमारत है। 1885 और 1902 के बीच इसे बनाया गया। बुडारेस्ट के बाद यूरोप में दूसरी सबसे बड़ी संसद इमारत है दोस्तों ये। दोस्तों आपको पता है जब इमारत के लिए योजनाएं बनाई जा रही थी तो एक शर्त रखी गई थी कि ये तभी बनेगी जब यहाँ पर लोकल चीजों का इस्तेमाल होगा। दोस्तों ये है सेंट स्टीफन बेसिलिका, एक और विशाल इमारत। सेंट स्टीफन बेसिलिका 1905 में नियो क्लासिकल शैली में निर्मित शहर की सबसे बड़ी धार्मिक इमारत है। अपने विशाल आयामों के साथ ये बहुत ही इफेक्टिव है, 8,500 लोगों को समायोजित कर सकती है एक साथ। बेसिलिका के अंदर आपको 50 अलग अलग तरह के संगमरमर और विशाल मूर्तियां मिलेंगी। शानदार मुखौटों की विशेषता दो बड़े घंटाघर है। यहाँ पे आपको वो नजारा देखने को मिलेगा जो कहीं नहीं मिल सकता। हर साल सेंट स्टीफन बेसिलिका में ऑर्गेनिस्ट, गायक मंडली और शास्त्रीय और समकालीन संगीत समारोह के साथ संगीत कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अगर आप शहर में हैं और कुछ चल रहा है तो यहाँ जरूर जाइएगा। और दोस्तों वन एंड ओनली बुडा कैसल, ये भव्य और प्रभावशाली महल और महल का ये परिसर कैसल हिल के ऊपर है। ये महल द्वितीय विश्व युद्ध में नष्ट हो गया था। हंगरी की कम्युनिस्ट सरकार ने इसे बारोक शैली में फिर से बनवाया। बुडा कैसल को रॉयल पैलेस का नाम दिया गया क्योंकि ये पहले हंगरी के राजाओं का निवास था। बुडा कैसल में तीन महत्वपूर्ण स्थल है, सेचिनी लाइब्रेरी जिसकी स्थापना 1800 के दशक की शुरुआत में हुई, नेशनल गैलरी जिसमें मध्ययुग से लेकर आज तक के हंगेरियन कलाकारों की प्रदर्शनी लगी हुई है, और इतिहास संग्रहालय जिसमें आपको प्रागैतिहासिक काल से लेकर आधुनिक समय यानी आज तक की सब जानकारियां मिलेंगी। इतिहास जानना चाहते हैं, संग्रहालयों के शौकीन हैं तो यहाँ आइए, बहुत कुछ मिलने वाला है। आई होप दोस्तों बुडापेस्ट की ये खूबसूरती, ये शानो शौकत, ये भव्यता आपको जरूर पसंद आएगी।
अगर अच्छी लगी हो स्टोरी तो प्लीज लाइक कीजिएगा और शेयर भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।